बात जब भी मिठाई की होती है तो सबकी जबान पे सबसे पहले रसमलाई का ही नाम आता है, लेकिन क्या आपने को पता है रसमलाई फैक्ट्री लेवल पे बल्क क्वांटिटी में कैसे तैयार करी जाती है? तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ जलंधर की केसू ईस्ट में, जहाँ पे रसमलाई को बल्क क्वांटिटी में तैयार किया जाता है और इसे खाने वाले यहाँ इसे बहुत दूर दूर से आते हैं। तो चलिए देखते हैं केसू नूडल्स की यूनिक पिकिंग और क्या है इसका टेस्ट। लक्कर डाली जाएगी और इसमें आग दी जाएगी, नीचे तेल जाके सप्लाई होगा, सेका आएगा इसमें। तो जो पूरी फैक्ट्री की स्टीम होगी वो यहीं से सप्लाई होगी और ये है इनका बॉयलर और यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंटेनर आ गया है जिसमें दूध भरा हुआ है और दूध को पलटा जा रहा है कढ़ाई में। ये जो इतने बड़े कंटेनर में आपको दूध दिख रहा है ना, इसको पलटा जाएगा कढ़ाई में और इसको बॉयल करके इससे बनेगी रबड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो दूध है ना उसमें मिलाई जा रही है शुगर और शुगर की क्वांटिटी देख सकते हो यार, शुगर की क्वांटिटी कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो छेना है ना वो बन के रेडी हो गया और ये सारा का सारा जो छेना है ना वो गाय के दूध का बना होता है, एकदम प्योर मिलने वाला है आपको छेना यहाँ पे। और इसी छेने से यहाँ पे रसमलाई बनाई जाएगी। तो यहाँ पे जो गाय के दूध का बना छेना है ना उसको सूती कपड़े से छाना जा रहा है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो छेना हमारा बन के रेडी हुआ है ना इसको कपड़े में बांध दिया गया और पानी में इसको धोया जा रहा है ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो छेना और पानी बिल्कुल अलग अलग हो गया और छेने को मल मल के यहाँ पे रसमलाई बनाई जाएगी। तो भैया मुझे बताओ ये जो अगला प्रोसेस है इसमें क्या होगा? फिर ऐसे छोटा छोटा गोच्छी करके रसमलाई बनेगा, उसमें से जाके फिर चाशनी में छोड़ के इसको माल पकाया है, उसके बाद ये माल काल रसमलाई राबड़ी में डाल के फिर रसमलाई तैयार होगा। इसके बाद ये जो रसमलाई तैयार हो गया ना बेस, इसको लेके हम लोग चाशनी में छोड़ेंगे, उसके चाशनी में पकाने के बाद ये माल काल अभी राबड़ी में छोड़ा जाएगा। जैसे रसमलाई तैयार हो जाएगा दूध से जो राबड़ी बनता है रसमलाई तैयार हो जाएगा, उसके बाद दुकान पे जाएगा। ये सब कोलकाता का स्टाफ है मेरा, ये बंगाली स्टाफ है। कोलकाता का तो फेमस ऐसे रसगुल्ला है, लेकिन अभी भी जितना बड़ा बड़ा दुकान पे जाओ आपको जो बड़ा कारीगर मिलेगा ड्राई फ्रूट का सारा कलकत्ता का ही मिलेगा। ये रेडी हो गया, उसके बाद उसमें जाएगा। ये रीटा फॉल है, इसको डालने से जो चाशनी है ना ये फूल जाता है, ये फूलने के बाद ये माल देना। ये अभी जो रेडी हो गया इसमें छोड़ देंगे, इसके बाद 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, चाशनी और पानी मिला के ये रेडी हो गया। इसमें अभी ये माल छोड़ने के बाद फिर इसमें उतारा जाएगा, जैसे माल और भी फ्रेश हो जाता है। ये माल अभी रेडी हो गया, ठीक है, ये माल अभी रेडी हो गया, अभी चाशनी में इसको छोड़ा जा रहा है, इसके बाद इसमें से इसमें कर लेंगे। इसमें अभी इस गिनती हिसाब से अभी एक घन में हमारा 200-250 पीस बन जाता है, 7 मिनट में आपका 200 पीस माल रेडी हो गया। इसको अभी राबड़ी करके रसमलाई फिर डाला जाएगा, फिर ये कंटेनर में भरा जाएगा। इसको हम लोग अभी दूसरा चाशनी फिर बना लिया, फिर उसमें से इसमें डाल देंगे तो और भी माल फ्रेश हो जाता है। कल तक इसको इसमें रहेंगे, फिर रसमलाई जब बनता है उसका जब दूध से रबड़ी बन जाएगा फिर उसको हम निचोड़ के जो ये चाशनी है इसको छान के फिर दूध में डाला जाएगा, फिर उसमें से राबड़ी में शिफ्ट होता है तभी रसमलाई रेडी हो जाता है। इसको अभी ये जो चाशनी है इसको निचोड़ के फिर दूध में डाला जाएगा, उसमें से फिर राबड़ी में डाल के केसर रसमलाई तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये गर्म दूध है इसमें अभी डाला जा रहा है क्योंकि ये जो माल है और भी स्पंजी हो जाए। इलायची पाउडर और गुलाब जल मिक्स है, ये प्योर इलायची है, ओरिजिनल केसर से या रसमलाई बनता है जो केसर रसमलाई इसमें से ही बनता है, अभी ये माल इसमें डाला जाएगा। तो ये जो हमारे छेना के स्पॉन्जेस बने थे, गोल गोल गोले बने थे ना, जो हमने केसर मलाई का गाढ़ा वाला पाँच सात सेकंड इसमें छोड़ देंगे, इसमें से ये राबड़ी तैयार होने तक इसमें रहेगा, इसका भी राबड़ी बना लेते हैं। राबड़ी डाल दिया इसमें, अभी फिर ये गुलाब जल इलायची पाउडर डाला जा रहा है, ये केसर इसको कलर करने के लिए ओरिजिनल केसर डाला जा रहा है, अभी ये जो बेस है इसमें डाला जाएगा। ये राबड़ी तैयार हो गया, ये रेडी हो गया, अभी इसमें डाला जाएगा पिस्ता बादाम और केसर। तो यही है केसू ईस्ट की खासियत कि यहाँ पे इतना महंगा लाखों के भाव मिलने वाला केसर जो है ना देख सकते हो क्या अच्छी भर भर के क्वांटिटी में इसमें लगाया जा रहा है। यहाँ पे केसू ईस्ट जलंधर की रसमलाई बन के रेडी हो गई है, दिखने में बहुत ज्यादा मजेदार लग रही है। मैं यहाँ पे इसको जल्दी से टेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अगर खुश रहना है तो मैं इतना खाते रहिए।